Hey guys, welcome back to another video. तो यार कैसे हो आप लोग? तो यार आ चुके एक और बार अपने एक नई वीडियो के साथ वापस. एंड यार फिलहाल आज की वीडियो यार थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग यार अपने एक नए डायनो को टेम करने वाले हैं, जो कि अभी लेटेस्ट आया है, राइनियोग नेथा करके. वो बहुत बड़ा फ्लायर है, समझ लो तुम ड्रैगन फ्लाई है वैसा कुछ फ्लायर है. बट भाई उसको ड्रैगन फ्लाई मत समझना भाई, बहुत ज़्यादा ही ओपी है. तो फिलहाल मैं तुम लोग को बता देता हूँ, अभी हम लोग खेल रहे हैं द आइलैंड, ठीक है, अपना जो पहला बेसिक सा मैप रहता है. एंड ये शायद से दो ही मैप पे अवेलेबल है या फिर सारे मैप पे मेरे को पता नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि लॉस्ट आइलैंड एंड द आइलैंड ये दोनों मैप पे तुम लोग को आराम से मिल जाएगा. और इसकी लोकेशन मैं तुम लोग को बता देता हूँ कहाँ पे. तो ये तुम लोग को स्वाम्प एरिया रेडवुड जो साइड है वहाँ पे कहीं भी मिल जाएगा, तुम लोग को रैंडमली देखना पड़ेगा. फिलहाल मेरे को यहाँ पे एक दिखा था, अभी जस्ट स्पॉन लिया था, ठीक है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ वो कहाँ पे है. तो वेट अ सेकंड, जस्ट मेरे को खोजने दो. बहुत बड़ा सा तो रहता है भाई, तुरंत मिल जाएगा. वेल ये लोग भाई कहाँ मिलते, कहाँ चल गया पता नहीं चल रहा. ठीक है, तो देखा था मैंने. ओके तो यहाँ पे देख सकते हो भाई ये घूम रहा है अपना बीस्ट, ये भाई सबको मारते रहता है. जस्ट जैसे भाई अपना गीगा है वैसे ही भाई ये. ओरे भाई, ओरे भाई साहब. अच्छा सर सर, ओके ओके, मेरे को कुछ होगा तो नहीं वैसे, क्योंकि मेरा जीसीएम लगा हुआ है. ओ भाई 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 भाई, ओके तो ये फीमेल है, ठीक है, एंड 28 लेवल का है. तो फिलहाल ये मेरे पीछे लग चुका है और भाई ये मेरे को डैमेज इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि मेरा जीसीएम लगा हुआ है, ठीक है. तो एक सेकंड मेरे को इधर पे हटने दो इससे, ठीक है. तो यार भाई ये कैसे कि कब पीछे छोड़ेगा. ए वेट ए सेकंड, मेरे को इसको मारने पड़ेगा. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, भाई प्लीज मत मार यार, रुक जा यार एक जगह पे रुक. ओके तो मैं इसका टेमिंग वगैरह का सबका प्रोसेस बताता हूँ, एक जगह इसको रुकने दो. भाई मेरा पीटी पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई. इधर पे आ, इधर पे लैंड कर. ओके ओके भाई नहीं जाओ ना यार, रुक जाओ एक जगह पे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग. पैसिव 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 हो जा. ओके या तो एज यू कैन सी कि भाई हमने इसको नेट कर दिया है, क्योंकि भाई इसको शांत करने का एक ही तरीका है. फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको देखो टेम करने का प्रोसेस ये है कि इसको भाई तुम लोग को मारना पड़ेगा एक राइनियोग नेथा को, ठीक है, एंड देन तुम लोग को उससे ये मिलेगा, ठीक है. ये है तुम्हारा उसका फेरोमोन जो कि इसके अंदर से मिलता है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम लोग मार देते हैं, ठीक है, मारने के लिए एक सेकेंड जस्ट. ओके वेल तो मेरे पास स्वॉर्ड आ गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग मार देते हैं जल्दी से. ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये मर गया है, एंड इसके इन्वेंटरी में तुम लोग को ये फेरोमोन मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही तुम लोग इसको मारोगे, मेल हो या फीमेल कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग को जस्ट मिल जाएगा इजीली, ठीक है. तो इसको हम लोग अभी जस्ट हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करना है. Meanwhile. Okay, तो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ यार जस्ट इसको टेम कैसे करना है. तो अपना जो पहला प्रोसेस था उसको मार के उसका फेरोमोन लेना, ठीक है, राइनियोग नेथा का, तो वो पहला हो गया. अगर तुम लोग इसको मार के नहीं लोगे तो भाई तुम्हारा वो राइनियोग नेथा जो है वो नहीं टेम होगा. एक तरह से ये फेरोमोन नहीं, एक ही समझ लो, ठीक है, जो कि तुम लोग को एक डायनो का जरूरत रहेगा अपना जो टीम रहेगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक रेक्स लिया है, ठीक है, इससे हम लोग उसको ब्रीड करवाएंगे. अब कैसे कराना है वो मैं फिलहाल बताता हूँ. तो तुम लोग को क्या करना है, एक और राइनियोग नेथा को ढूंढना है. फिलहाल उसके लिए थोड़े बहुत पहले प्रिपरेशन कर लेना है तुमको, ठीक है. तो उसके लिए मैं एक चीज़ और लेना है, मेरे को वो ले लेता हूँ. तो यहाँ पे मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया है, ठीक है. सो मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए लेना है क्योंकि हम लोग को जब उसको नेट करेंगे तो उसको हम लोग को डैमेज करके भाई उसका 10% तक हेल्थ करना है. और कैसे करना है क्या करना है मैं सब बताता हूँ. फिलहाल मेरे को एक और राइनियोग नेथा को खोजने दो कहाँ पे है, ठीक है. सो यहीं कहीं आसपास फिलहाल मिल जाएगा, मैंने एक और देखा तो है, आई मीन मिल जाना चाहिए. भाई एक बात है, अगर वो पीछे लगता है ना भाई, बहुत गंदा वाला पीछे लग जाता है, आई मीन वो पीछे नहीं छोड़ता है ऐसा कुछ है डायनो, बहुत खतरनाक है. फिलहाल भाई उसको कैसे तुम लोग टेम करोगे, ग्रिफिन बहुत स्पीड डायनो चाहिए जो कि भाई स्पीड से भाग सके. हाँ वेट अ सेकेंड भाई, कहाँ चल जाते हैं यार ये. ओके या तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और मेरे को मिल चुका है, ठीक है. तो जस्ट अभी क्या करना है, ये मेल है कि फीमेल मेरे को पता नहीं है, फिलहाल इसको देख लेते जाके, ठीक है, सामने से क्या है ये. ओके भाई पीछे लग गया ये बंदा, क्या है ये. ओके ये भी फीमेल है, ठीक है, बहुत अच्छा लक है. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई फीमेल से ही होता है ब्रीड, तो हम लोग इसको फीमेल को ले जाते हैं साइड में, ठीक है. एंड अभी जस्ट हम लोग क्या करना है, यहाँ पे
वैसे ही टाइप का हम लोग का जस्ट नेट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको बैठा देता हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकंड। ओके तो भाई रुक जाओ भाई, क्या कर रहा है ये? वो ये रुक रहे, रेक्स को नहीं, रेक्स को नहीं, रेक्स को नहीं भाई, तेरे को उसी को ये करना है। ओके या तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको नेट कर दिया है, ठीक है। और अभी जस्ट हम लोग को क्या करना है, इसका मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको ये देखना है कितना हेल्थ है। तो ओके ज़्यादा नहीं है इसका, 16 है बस। तो हम लोग इसको कम करते हैं 10% पे, आई मीन 300 या फिर ऐसे करके कुछ ला देना है हम लोग को। मैं इसको मारते जाता हूँ, देखता हूँ। ओके तो थोड़ा बहुत और हिट लगेगा, 2 हिट और, एंड उसके बाद इसका 10% हेल्थ हो जाएगा। ओके वेल तो ये हो गया अपना। और अभी तुम लोग क्या करना है, अपने रेक्स पे बैठना है एंड देन इसको ये फेरोमोन देना है, ठीक है। अभी जैसे ही उठेगा इसको फेरोमोन को पॉपअप कर देना है, आई मीन इसको फोड़ देना है अपने रेक्स पे, ठीक है। तो देखो फिर ये क्या करता है, एक स्पेशल एनिमेशन, एंड उसके बाद तुम्हारा जो रेक्स है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये जस्ट तुम्हारा इसी के जैसे है। वेट अ सेकेंड, भाई कितना देर लगता है नेट के लिए? ओ ओके ओके हाँ, वेट अ सेकेंड, ये उठ गया है। अभी जस्ट इसको पॉप कर देना है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये मेरे में से ये निकल रहा है ना, अरे अभी शायद से ये मेरे को कर दिया है, नहीं किया शायद, ये करता तो भाग जाता, पता है भाई, कर तो यार। 10% हेल्थ नहीं हुआ है क्या इसका? एक सेकेंड, शायद से कुछ गलती हो गया। वेट अ सेकेंड, मेरे को शायद से इसका और हेल्थ लो करना पड़ेगा। वेल रुक जाओ एक सेकेंड भाई, यही तो दिक्कत होता है इसका, 10% हेल्थ करना। अभी कितना है? अच्छा 300 ही था इसका, मेरे को और थोड़ा सा कम करना है इसका। वेल तो रुक जाओ, शायद से मे भी इतना काफ़ी हो, 200 अभी भी और कम करना है। वेट अ सेकेंड, ओ कोई नहीं, हम लोग को एक और बार ट्राई करना होगा। ओके 3000 किसके हेल्थ है, हम लोग को जस्ट इसको 10% चलाना है। तो देखते हैं कब तक होता है, और वेट अ सेकेंड, इसको मारते आते हैं। ओके वेल तो ओके शायद से इसका हो गया है। एंड अभी हम लोग को क्या करना है, जस्ट इसको अपने फेरोमोन को इसको खिला देना है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल इफेक्ट आएगा, सो वेट अ सेकेंड। ओके ये देखो रेड रेड कुछ चमक रहा है, तो अभी ये एक एनिमेशन करेगा शायद से, एंड उसके बाद अपना जो ये रेक्स है वो अपना प्रेग्नेंट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट रुक जाओ ब्रो, कर ना भाई, कर ले, क्या कर रहा है? मैं सर 10% हेल्थ नहीं छोड़ रहा हूँ क्या? आई मीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके एनिमेशन क्या ये, एंड ये देखो ये भाग गया, ठीक है। तो जस्ट यही होगा कि अपना जो ये प्रेग्नेंट करेगा रेक्स को, एंड देन भाई ये भाग जाएगा, ठीक है। अगर भाग जाएगा तो समझ लेना तुम्हारा जो ये है रेक्स है वो प्रेग्नेंट हो चुका है। तो अभी इसको जस्ट कुछ कुछ चीज़ें चाहिए रहेंगी, तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो रेक्स विल हैव अ कार्विंग, ठीक है। एक मिनट को हम लोग को रुकना है, एंड देन देखना है कि भाई ये क्या मांगता है। तो जस्ट तुम्हारा यही प्रोसेस है। अभी जस्ट क्या है कि इसके अंदर जो है एग आ चुका है उसका, तो अभी ये जस्ट ब्लास्ट करेगा एंड तुम्हारा उसमें से वो निकल जाएगा, ठीक है। A few moments later. Okay. So, यहाँ पे ये इसको फीड करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल को, तो फीड करते हैं इसको। ओके तो फिर ये भाई एक एक दो दो मिनट पे हर बार एक बार मांगेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसको देते जाना है, एंड उसके बाद तुम लोग से मैं मिलता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट या 1 मिनट बचेगा तब, ठीक है। ओके वेल तो यहाँ पे सैडो स्टिक मैंने इसको खिला दिया है। तो इसका जो इनक्यूबेटिंग टाइम है वो तुम्हारा यार सेटिंग्स पे डिपेंड करता है, तुमने वर्ल्ड का क्या सेटिंग करके रखा है उसके हिसाब से इसका टाइमर दिखाएगा। तो फिलहाल मेरा 10 मिनट का टाइमर था, एंड अभी जस्ट 1 मिनट बाकी है, और मैंने इसको अभी तक मैं फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो 3 चीज़ दे चुका हूँ मैं। एक है अपना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल, एक है एक्सेप्शनल केबल, और एक है ये सैडो स्टिक। तो ये 3 चीज़ जिसने मेरे से मांगा है, और भी बाकी सब मांगता है। इसका लिस्ट मैं तुम लोग को शायद से होगा तो दिखा दूंगा,
बट फिलहाल उतना भी मेरे को पता नहीं ये क्या क्या मांग सकता है, तो अभी फिलहाल इसका वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं यार ये कितना देर में इनक्यूबेट होता है। ठीक है, ओके, तो ये भाई बस 10 सेकंड में इनक्यूबेट हो जाएगा, तो देखते हैं यार कैसा एनिमेशन है इसका। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं जस्ट 5 सेकंड और एंड हियर वी गो। तो भाई ये देख सकते हो ये आ चुका है अपना राइनियोग न था एंड इसको अभी तुम लोग को जस्ट क्लेम कर लेना है इम्प्रिंट करके, आई मीन इम्प्रिंट या क्लेम दोनों में से जो भी करना है ई दवा के, एंड ये तुम्हारा टेम हो चुका है। ठीक है, तो जस्ट अभी इसको भाई मैच्योर होने देते हैं एंड देखते हैं भाई इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस यार यही था इजी से इसका टेमिंग प्रोसेस एंड ज़्यादा हार्ड नहीं है उतना, जस्ट ये तुम्हारा रिपर क्वीन जैसा ही है, बट इसका सिंपल वे इसलिए है क्योंकि भाई इसका फेरोमोन से तुम लोग कोई भी डायनो को प्रेजेंट करा सकते हो एंड देन भाई वो डायनो ब्लास्ट हो जाएगा। आई मीन समझ लेना ऐसा डायनो तुम लोग यूज़ करो जो कि भाई तुम लोग सैक्रिफाइस कर सको। ठीक है, उसी से तुम लोग को ये मिलेगा। Many hours later. बट एनीवेज यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अपना भाई रानियो गोंथा सोरस, भाई कैसा नाम है यार इतना बड़ा सा, ओके इसको हम लोग राइनो करके बुलाएंगे। ठीक है, तो ये अपना भाई यहाँ पे बड़ा हो चुका है। ठीक है, एंड इसका हमारे पास सैडल है। अब मेन बात ये होता है कि भाई तुम लोग टेमिंग प्रोसेस तो देख लिए, अब देखो ये क्या क्या काम में आता है। ठीक है भाई, ये डायनो सही बता रहा, ये बहुत ज़्यादा मैसिव है। ठीक है, ये कम से कम समझ लो कि भाई गीगा से भी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग जल्दी से सैडल देते हैं एंड उसके बाद मैं बताता हूँ भाई ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वैसे ये फीमेल है, अभी इसको इस पर हम लोग राइड करते हैं। ओके वेल, तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा ये भाई उतना ज़्यादा मैसिव नहीं लग रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एंड इसका कंट्रोल्स वगैरह भी साइड में दिया हुआ है, पता नहीं सैसे भाई बहुत ज़्यादा हार्ड इसको चलाना सैसे इसलिए, बट एनीवेज ये भाई क्या है पता है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। बट एनीवेज भाई ये बहुत ओपी है एंड इसके कंट्रोल्स वगैरह भी हैं। ठीक है, कैरी कैरेक्टर वगैरह वगैरह भी है, तो मैं तुम लोग को पहले दिखाता हूँ ठीक है कि ये कितना स्पीड उड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भाई इतना कुछ स्पीड ऐसे उड़ता है। ठीक है, ये आई मीन इसका स्पीड वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग। ओके एक और है भाई, ओके वेल एक सेकेंड, एक मेरे को एक चीज़ करने दो, मैंने इसके लिए ओके एक सेकेंड सैप मैंने रखा था, तो यहाँ पे मैं इसके इन्वेंटरी में सैप रख देता हूँ। एक्चुअली सैप से ना ये जो रेजन है ये अपना सैप से बनाता है, आप इसके इन्वेंटरी में सैप रख दोगे तो ये देखो ये हर 5 या 6 सेकंड में कन्वर्ट होके ये रेजन बनता है। ठीक है, इसी से तुम लोग ये सब अटैक्स वगैरह कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखो यहाँ पे रेजन आर्मर है, एक सेकेंड वेट ए सेकेंड, ओके तो यहाँ पे तुम लोग एमओ वगैरह है ना ये कर सकते हो। यहाँ पे नीचे में देखना, मैं क्लिक करूँगा ना क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस अपना राइट क्लिक, तो यहाँ पे देखो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चेंज होता है और इसका रोअर वगैरह भी है, रोअर शायद से ये ज़मीन पे बैठ के ही करता है। तो मैं फिलहाल तुम लोग को सब चीज़ अच्छा से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तुम लोग को दिखाता हूँ कि ये भाई कैरी क्या क्या कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रोंटो एक बार चेक करते हैं, ब्रोंटो को कैरी कर सकते हैं क्या, ब्रोंटो ओके भाई मेरे को लगा ब्रोंटो कर सकता है बट ब्रोंटो नहीं कर सकता है, और रेक्स वगैरह कर सकता है, पैरासिरेथ्रियम को भी कर ले, वेट ए सेकेंड। ओ भाई ये क्या आया है, ओके तो देख सकते हैं हम लोग पैरासिरेथ्रियम को भाई ऊपर उड़ा रहे हैं एंड इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके चल जा भाई, और क्या क्या चीज़ उठा सकता है यार ये पैरासिरेथ्रियम, एक सेकेंड भाई, यार भाई इसका स्टैमिना भाई हट, ओके इसका मैंने भाई लेवल अप कर दिया थोड़ा सा, वह इसका स्टैमिना बहुत दिक्कत दे रहा था। फिलहाल यहाँ पे इसको चेक करने का बात आता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार ये फियर वगैरह कैसे दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये ब्रोंटो फियर देता है क्या, ये भाई यूटी है ना उससे भी गंदा फियर देता है, तो इसके लिए हम लोग को जस्ट दबाना रहता है अपना सी, तो ओके वेल ब्रोंटो अपना फियर में नहीं आया। ठीक है, बड़े डायनोस जो फियर में नहीं आते, बट ये गोडोस भाई ये फियर में नहीं आए क्या, तुम लोग को डरना चाहिए ना यार। ओके इस पे ट्राई करते एक बार कार्बन एमिस पे, ओके हाँ ये फियर में है, आई मीन एक्चुअली ये भाग रहा है बट अपोजिट साइड भाग रहा है, मैंने आपका अपोजिट साइड उधर पे बट ये भाई पता नहीं क्यों इधर भाग रहा है। तो ये ऐसे करके सी से फियर देता है और बाकी इसका कंट्रोल्स जो है वो आपका अटैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसका अटैक क्या क्या है। तो पहला अटैक तो इसका ये है कि ये ऐसा कुछ शॉट मारता है, तो इसका शॉट के लिए हम लोग को राइट क्लिक करना है एंड देन ये ऐसे करके देखो ये मिसाइल है। ठीक है, हो गया, अब देखो ये जाके कहीं भी जाए उसी को पड़ेगा ऐसे करके, वो कहीं भी भाग जाए।
एक सेकंड रुक जाओ, इसको उड़ने दो, मैं को देखता हूँ। भाई उड़ जा एक बार। ओके ये देखो ये लॉक हो गया एंड अब जाके ये उसी को पड़ा है। पड़ा कि नहीं पड़ा? वेट ए सेकंड। ओके ये देखो अब उसी को जाके पड़ेगा। ओ भाई क्या हो रहा है भाई, सही में यार टारगेट लॉक करता है यार। एनीवेज पता नहीं क्या हुआ, उसको लगा कि नहीं लगा, बट ये ऐसे कुछ काम करता है ठीक है। इसका ये है एक अटैक एंड इसका दूसरा दूसरा टारगेट आई मीन दूसरा अटैक ये है कि ये चेंज करके मैं ये करता हूँ ठीक है। तो इसका दूसरा अटैक ये है कि ये ऐसे करके कुछ छोड़ता है ठीक है, बॉल्स का, एंड ये जाके नीचे स्प्लैश हो जाता है ठीक है। और भाई ये देखो इस पे जो भी आएगा ना उसको डैमेज वगैरह पड़ेगा, ऐसा कुछ है ठीक है। और इसका जो थर्ड अटैक है वो ऐसा करके कि भाई ये टरेट मोड में चल जाता है ठीक है, बुलेट शूट करेगा। मैं तुम लोगों को किसी को फिर शूट करके दिखाता हूँ। वेल एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को यहाँ पे देखने दो यहाँ पे क्या क्या है। कोई सा ऐसा डायनो यार नहीं है क्या भाई? डायनो ही नहीं मिल रहा यार कोई सा, क्या हो गया? ओके यहाँ पे टेक स्टेगो आई मीन रुक जाओ। ओके ये देखो ये बुलेट जैसे शूट कर रहा है भाई, बहुत ओपी है, सिर्फ सैप से काम करता है बट ये देखो। और ये पता नहीं सर इसका टारगेट वगैरह कुछ अजीब सा है ठीक है। ये इसका अटैक है भाई, बहुत ज़्यादा ओपी है। फिलहाल ये और भी काम कर सकता है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। जैसे कि ये अपना पानी पे भी चल सकता है ठीक है, ये दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये स्पीड से चलेगा तुम्हारा एकदम, जैसे कि अपना वो नहीं है ब्लड स्टॉकर, कुछ उसी टाइप का चलेगा। एंड ये पानी के अंदर भी जा सकता है, तुम लोग को फिलहाल दिखाता हूँ। ये देखो ये पानी के अंदर भी स्पीड से तैर सकता है भाई, बहुत ओपी डायनो ये। एक बार हवा में भी उड़ेगा भाई, पानी में भी उड़ सकता है ये देखो। एंड उड़ता नहीं है, पानी में भी तैर सकता है। हाँ उतना स्पीड नहीं है बट है भाई, बहुत काम चलाने लायक है। एंड ये अटैक भी सही से कर सकता है क्या पानी के अंदर? नहीं पानी के अंदर सही से अटैक नहीं करता है, सिर्फ एक ही अटैक है इसका, यही अटैक काम करेगा आई मीन जो बेसिक अटैक रहता है ऐसे करके। एंड हिट बॉक्स भी बेकार है इसका, पता नहीं क्यों। ओके एनीवेज पता नहीं इस पर क्यों एग्रो नहीं हो रही ये लोग। ओके एंड ये पानी से ऊपर उड़ भी सकता है, फिर पानी के अंदर ही से ठीक है। ये था एंड अब मैं तुम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए ये डायनो भाई बहुत ज़्यादा ओपी है ठीक है। हमने पानी पे चल लिया एंड इस एक सेकंड भाई ये एग्रो क्यों हो रहा है यार तुम लोग भाई? ये देखो अभी दिखाता मैं कैसे ये लोग भागते हैं। ये देखो ये लोग भागना स्टार्ट कर देंगे, अभी अटैक कर रहे थे अभी भागना स्टार्ट कर दिया ठीक है, कुछ ऐसा ही काम करता है। और मैं तुम लोग का एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए डायनो भाई बहुत ज़्यादा ही कुछ ओपी है ठीक है। सो वेट अ सेकंड। Meanwhile, ओके भाई इंसान तू जा यार क्या कर रहा है यार, ये कॉम्पी भी ना, अरे भाई निकलो यार, तुम लोग का औकात नहीं है भाई। अभी क्या है मेरे पास तुम लोग को पता नहीं है, द आइलैंड का भाई बॉस टेम कर रखा है हमने। ओके वेट इज इन कहाँ गया वो भाई? हेलीकॉप्टर, अच्छा वो रहा मेरा हेलीकॉप्टर। ओके तो वेल मैं तुम लोग को क्या दिखाने वाला था कि यहाँ पे ना ये देखो ये ओपी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सामने में तुम्हारा वॉल्ट और सामने में टेक जेनी दोनों रखा हुआ है ठीक है। एंड भाई साहब ये बंदा ना ये दोनों चीज़ को उठा सकता है, आई मीन स्ट्रक्चर को भी उठा सकता है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके ये देखो है, वेट अ सेकेंड ये क्या हुआ? कैसे वर्क कैसे करता है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। वेट अ सेकेंड मेरे को पीछे जाने दो। ओके हाँ तो ये देखो ये इसने ग्रैब कर लिया ठीक है। ये देखो ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब भाई ये टेक जेनी को ग्रैब कर लिया और इस टेक जेनी को हम लोग भाई कहीं पे भी लगा सकते हैं शायद से। ये देखो ये ऐसे मैंने कंट्रोल छोड़ा एंड उसके बाद कंट्रोल दबाना पड़ता है तब जाके लगता है, एंड कंट्रोल छोड़ा मैंने जैसे ही, अब यहाँ पे स्नैप पॉइंट बन रहा, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। आई मीन सोच रहे हो भाई किसी का भी वॉल्ट वगैरह उठा के चोरी कर लो, मैं तुम लोग को फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम लोग कंट्रोल दबाना है ठीक है, ये एरो आएगा एंड यहाँ पे फिर तुम लोग को लेफ्ट क्लिक दबा देना है, तो ये ऐसे करके ग्रैब कर लेगा ठीक है। और अगर मैं इससे उतर जाता हूँ तो क्या होता है? ओके ये हाथ में लिया हुआ है वॉल्ट, यानी भाई किसी का भी चोरी करके तुम भाग सकते हो, पूरा वॉल्ट ही उठा सकते हो। एंड भाई पीवीपी के लिए ये डायनो भाई श्राप है, सच बता रहा हूँ कसम से। ओके तो अब इसको लगाने के लिए तुम लोग को जस्ट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये कहीं भी प्लेस, अच्छा कहीं पे ये नहीं प्लेस होता। ओके कहीं पे ये नहीं प्लेस हो सकता, यहाँ पे इसको प्लेस करना पड़ेगा फाउंडेशन पे। बैठे सकें ओके ये प्लेस कर दिया मैंने। तो ये भाई ऐसा भी काम कर सकता है भाई, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह उठा सकते हो एंड कुछ भी कहीं भी लगा सकते हो।
और इसका रेजन का आर्मर वगैरह भी है, तो तुम लोग को मैं दिखाता हूँ कुछ कुछ चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग को इसका रेजन का आर्मर चढ़ाना है तो इससे डैमेज बहुत कम लेगा ये। तो यहाँ पे तुम लोग को कंट्रोल एंड राइट क्लिक दबाना पड़ेगा, वेट अ सेकेंड, नहीं सॉरी कंट्रोल और सी दबाना पड़ेगा, तब ये देखो ये रेजन का आर्मर पहन लेता है। और इससे क्या होता है, इससे डैमेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इस पे आर्मर पे। एंड समझ लो ये गीगा है, ठीक है, आई मीन गीगा से भी पावरफुल, क्योंकि भाई ये मार भी सकता है अच्छा सा और इस पे डैमेज भी उतना नहीं पड़ेगा। बस तुम इसका हेल्थ पम्प करते जाओ एंड भाई ओपी बन जाएगा ये बंदा, सही बता रहा हूँ। बस करो, सही बता रहा है, ये जीता जागता भाई हेलीकॉप्टर है, बहुत ओपी डायनो है। इसको तुम लोग कोई भी डायरेक्शन में चला सकते हो, चाहे तुम्हारा राइट जाना हो या फिर तुम्हारा लेफ्ट जाना हो या फिर पीछे या फिर आगे, भाई बहुत अच्छा है। और सी से तुम्हारा ये नीचे जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे तुम लोग नीचे भी कर सकते हो। और ऊपर के लिए भाई तुम स्पेस बार दबाओ एंड वो ये ऊपर जाएगा ऐसे करके। भाई क्या ही ओपी डायनो यार, सही सच में ये पीवीपी के लिए तो भाई भाई सही में ये देखो। और इसका ना एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये पता नहीं इसका क्या आता है पॉइंट्स वगैरह, ये लगता है तो ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं एक चीज़ और। ओके, मेरा रेजन ये ख़त्म हो गया, बट फिर भी अगर ये पूरा चल जाएगा ना तो ये पूरा भाई उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड फ्रीज हो जाएगा देन, और ऐसे उसके बाद मर भी जाता है, मे बी ऐसा पॉसिबल है, पता नहीं उतना अच्छा से, बट या ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। ये जो येलो येलो डॉट देख रहे हो मेरे पास, ख़त्म हो गया क्या? हाँ यार ख़त्म हो गया मेरे पास ऐप, बट यही ये अगर येलो वाला डॉट अगर तुम्हारा फुल हो जाएगा तो भाई ये पूरा टोटली येलो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये मर जाएगा, ऐसा कुछ है सीन, ठीक है। अभी मेरे पास रेजन ख़त्म हो गया है तो तुम लोग को बस जस्ट बता दे रहा हूँ। तो फिलहाल यार कमेंट करके बताना यार तुम लोग को ये डायनो कैसा लगा एंड पीवीपी वालों कैसा लग रहा है तुम लोग को, ये भी बताना। अब तुम्हारा भाई जीना हराम करने आ रहा है ये बंदा यार, सही में ब्लड स्टॉकर वगैरह ये सब भाई डायनो, आई मीन जितने भी डायनो आए शैडो मैन वगैरह वो सब ठीक ठाक थे, बट भाई ये ओवर पावर्ड है, सही बता रहा हूँ। आई मीन पीवीपी के लिए तो भाई क्या ही बताऊँ, इसको कोई मार नहीं सकता, तुम भाई किसी का भी स्टोरेज वगैरह उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग जस्ट कमेंट बताना यार कैसा लगा तुम लोग का डायनो। फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एपिसोड्स वगैरह भी सारे आने स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट मेरा पीसी ख़राब था इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, बट या हम लोग रेगुलर हो रहे हैं धीरे धीरे करके अभी। तो या सी यू, बाय बाय।